हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है भूत चतुर्दशी का शाम का वक्त और बाहर देख लीजिए, हम लोग ये गोल्डन कलर का झालर लगाए हैं। इस बार ना पूरा थीम गोल्डन ही है मेरा। बाहर हम लोग ना ये वाला लाइट लगाए हैं, झालर लाइट, जो कि मैं ऑनलाइन मंगाई थी मीशो से। तो अभी क्या है ना कि सब जगह का लाइट तो चालू किए हैं, लेकिन कीड़ा आ रहा है बहुत। हस्बैंड जी इधर दिया जला रहे हैं और तोरण वगैरह भी लेकर के आए हैं, तो उसको भी जलाना है। तो पिछले साल भी आप लोग साथ में शेयर की थी, आज चतुर्दशी के दिन क्या करते हैं ना हम लोग 14 दिया जलाते हैं। तो वही 14 दिया अभी हस्बैंड जी जला रहे हैं, बाकी घर में भी मैं जलाऊंगी। तो वो ना थोड़ा सा भिगा करके रखी हूँ, तो उसको फिर बाद में जलाऊंगी, जैसे तोरण वगैरह लगाने के बाद। क्योंकि तो तोरण लगाऊंगी, नीचे दिया जलेगा तो फिर हाथ पर में चोट लगने का भी डर है। तो इसी वजह से क्या है ना कि पहले यहाँ पे दिया जला लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग तोरण लगाएंगे। ये वाला लाइट को हम लोग बाहर लगाने वाले हैं और साथ में ही क्या है ना ये वाला तोरण लेकर के आए हैं। इधर आम पत्ता ना बहुत ही कम ही मिलता है, मिलेगा लेकिन फिर हस्बैंड जी यही वाला खरीद करके लेकर के आए हैं। तो ये ना दो लेकर के आए हैं, ये रहा एक और ये वाला हमेशा हम लोग लगा ही रहे हैं। पिछले 3 साल से हम लोग लगा रहे हैं इसको, पिछले 3 साल से। और जब भी आंधी तूफान आता है ये फट के गिर जाता है। इस बार पता नहीं कितने दिन तक रहेगा, शुभ दीपावली लिखा हुआ है। तो ये वाला क्या है ना कि इस दरवाजे में हम लोग लगाएंगे। अभी ये चढ़ेंगे ऊपर। ए रुकिए, देख के फोन भी आ रहा है। लगा है ठीक से ना, आराम से। इस साइड बाहर वाले दरवाजे पे देख लीजिए, ये तोरण लग गया है। शुभ लाभ नहीं लाए हैं, पिछले साल का ही है और इसमें शुभ लाभ लिखा हुआ भी है, तो इस वजह से ना और लाए भी नहीं हैं। ये दीवार का ना पूरा कलर निकल जाता है सब लगाने से। इसको काट दीजिए। ये देख लीजिए, इतना सारा कीड़ा यहाँ पे भर गया है, क्या ही बोलूं। जैसे लगा हुआ है, दाग तो है ना उसका, कहाँ कहाँ लगाए थे। और इतना तो परेशान कर रहा है कीड़ा, बाप रे बाप। अब मेरे मोबाइल में आके घेर रहा है मेरे को। बोलो लो, बोलो। ये वाला लाइट को ना हम लोग बाहर से खोल के अंदर ले आए, क्योंकि बाहर ना कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। नीचे वाले लोग भी लाइट लगाए हैं ना, तो उसका रोशनी पूरा चारों तरफ फैला हुआ है और इसका रोशनी समझ में आ ही नहीं रहा था, तो लगा के कोई मतलब ही नहीं है। और बाहर में मैं एक लाइट जलाती ही हूँ, लेकिन कीड़ा इतना परेशान करता है कि वो जलाना भी मैं बंद कर दी हूँ। तो पीछे ना बहुत ही सुंदर दिख रहा है, तो बाहर से अच्छा तो मेरा घर ही लग रहा है। घर में पूरी चारों ओर रोशनी ही रोशनी है। अभी मेरा हालत थोड़ा पागल जैसे हो गया होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तैयार भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं की, क्योंकि वैसा सिचुएशन है ही नहीं। अभी क्या है ना कि मुझे बहुत सारा काम है। मीठा और आइसक्रीम तो बन गया है, लेकिन कुछ कुछ और प्रिपरेशन करके मुझे रखना है। तो
तो वो सब प्रिपरेशन कर लेने से क्या है ना कि मैं 4-5 दिन के लिए फुर्सत हो जाती हूँ। तो जैसे स्मूदी हो गया, थोड़ा सा लस्सी बना के रखती हूँ, थोड़ा सा छाछ बना के रखती हूँ, प्याज और लहसुन का थोड़ा पेस्ट बना के रखती हूँ, मिर्ची अदरक टमाटर का पेस्ट, साथ में ही बादाम का चटनी, धनिया पत्ती का चटनी, तो ये सब बना के रखने से क्या होता है ना कि ये सुविधा होता है। और हस्बैंड जी छत में चले गए हैं पटाखा फोड़ने के लिए, सोच लीजिए। तो वो भी मुझे भी बुलाए हैं, लेकिन ना मेरा पैर साथ नहीं दे रहा है, एड़ी में मुझे दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, तो आज बहुत दिन बाद फिर से दर्द दे रहा है। खड़े रह जाती हूँ ना बहुत देर तक, तो ऐसा मेरे साथ होता है कंटिन्यू। हाँ, तो अभी मुझे और भी खड़े होकर के ही काम है, ये सब काम किचन में तो खड़े होकर के ही करना पड़ेगा। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ छत में, हस्बैंड जी बुलाए हैं, मुझे बहुत डर लगता है पटाखा से, सच बात बताऊँ तो। वो उधर फोड़ते हैं, मैं इधर कान मुँह बंद करके बैठे रहती हूँ, क्या मतलब है, क्या करने ही जाऊँगी, लेकिन बुलाए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। इधर ये बम फोड़ने का इंतजाम कर रहे हैं अपना, तो ये ऊपर जाके फटेगा ना, तो इस बार ऐसा कुछ लेकर के आए हैं। और इधर भी है, ये भी ऊपर जाके ही फूटने वाला है। इधर अनार है, चकरी है, मिर्ची है, यही वाला फोड़ रहे हैं अभी। उधर बड़ा बड़ा बम है, इतना बड़ा बम, उसमें भी वही वाला ही है। और इधर एक तो चिटपिट वाला है और छुरछुरी है, और बाकी उधर वो फोड़ेंगे, मैं बैठ बैठ के देखूंगी, मेरा यही काम रहता है। मैं यही वाला ही सोच रही थी, ये तो चिटपिट आता है, ऊपर जाता है और वो भी फटता भी है, चिटपिट चिटपिट करता भी है, और वही वाला ही निकला, ये देखो। इस साइड में देख लीजिए, ये मैं ना सलोनी बना रही हूँ, तो यहाँ पर ना सलोनी का जो होता है ना डो, तो उसको अच्छे से मैं कट कर ली हूँ। एंड इस साइड में एक स्लॉट हो भी गया है, ये देख लीजिए कितना सुनहरा सुनहरा कलर है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत दिन बाद ये सब बना रही हूँ ना। एंड हस्बैंड जी बोले भी थे एक बार, मैं ना नहीं बनाने वाली थी इसको, लेकिन वो एक बार बोले थे कि सलोनी बनाओगी क्या, तो मैं बोली कि नहीं, लेकिन क्या है ना कि मैं सोची कि नहीं बना ही देती हूँ, उनका मन थोड़ा रख ही लेती हूँ, इतना सब कुछ जब बना ही रही हूँ तो उनके लिए भी बनाती हूँ। तो ये रहा डो, अभी भी इतना रखा हुआ है, तो देखते हैं कि कितना बना पाती हूँ, अभी जस्ट स्टार्ट तो की हूँ इसको भी बनाना। इस साइड में देख लीजिए, ये पूजा का बर्तन धो के रखी हूँ आज ही, कल के लिए। और यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग जो रुद्राक्ष पहनते हैं तो उसका शुद्धिकरण करने के लिए रखी हूँ, चतुर्दशी के दिन ये करना चाहिए जो भी रुद्राक्ष पहनते हैं उनके लिए। और यहाँ पर भगवान का कपड़ा भी है, और ये दो लोग को देखिए, ये लोग यहाँ पर बिस्किट खा रहे हैं, हस्बैंड जी दिए हैं ये लोग को बिस्किट, मतलब लड़ाई में इतना माहिर हैं। ऐ ऐ देखिए कैसे लड़ाई करते हैं, अखुनी पीटा वो, किंतु यही लड़ती है उससे, वो छीन के भागती है और ये लड़ती है। इस साइड में क्या है ना कि ये बर्तन धो करके रखी हूँ इतना सारा, वो भी क्यों हुआ है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। एंड इधर क्या है, ये गर्मा गर्म सोयाबीन का सब्जी बनाई हूँ, ऐसे पीला पीला दिख रहा है क्योंकि मैं ना हरा मिर्ची से सब्जी बना रही हूँ आजकल। एंड मैं कल के लिए दिया में भिगो करके रखी हूँ, और ये फ्रिज का ना मैं डीक्लटर की हूँ ना, पानी उसी का ही निकल रहा है, यहाँ पर बोरा डाल के रख दी हूँ मैं। और इस साइड में देख लीजिए, यहाँ ये फ्रिज का पूरा ये पानी निकल के आ रहा है इसमें,
इधर क्या है ना, ये मैं आटा लगा करके रखी हूँ क्योंकि हस्बैंड जी मुझे बोले कि मैं रोटी लेकर के आ रहा हूँ और मैं उससे पहले ही आटा लगा के रख दी, तो ये आटा को रखना पड़ गया। यहाँ पर धनिया पत्ती का चटनी बनाई हूँ, ये मूंगफली का चटनी है। साथ में ही क्या है ना, इधर मैं रायता बना करके रखी हूँ, ये दूध है, ये मैं ब्रेड क्रम्प बना के रखी हूँ। साथ में ही यहाँ पर ये प्याज और लहसुन का मैं पेस्ट बना के रखी हूँ, और अंदर साइड में ना मैं टमाटर मिर्ची और अदरक का पेस्ट बनाई हूँ। इस साइड में ये दिख रहा है एप्पल स्मूदी है, उस साइड में बनाना स्मूदी है, एंड इस साइड में भी ये बनाना स्मूदी है। तो यही सब मैं बनाई हूँ, यही सब मैं की हूँ, इसी वजह से क्या है ना कि उतना सारा बर्तन निकला है और पूरा किचन को मैं अच्छे से क्लीन करके रखी हूँ, क्योंकि कल सुबह ही होने वाला है बहुत ही ज़्यादा हौच पौच। और मेरा हालत देख रहे हैं कि मेरा हालत क्या हुआ है, तो ये सब करने में ना मुझे 2.5 घंटा लग गया। सब्जी भी बनाई हूँ प्लस ये सब चटनी वगैरह ये सब बनाने में ना लगता है कि हाँ चटनी तो बनाना है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा स्मूदी तो बनाना है, लेकिन ये सब बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है और याद भी करना होता है कि किसमें क्या जाता है किसमें क्या लगता है। तो इसी वजह से क्या है ना, एक चीज़ मेरे लिए आसान हो क्या कि हस्बैंड जी ना लहसुन छील के रखे थे, मैं ना लहसुन नहीं छील पाती हूँ, मेरा नाखून है ही नहीं तो मैं कहाँ से छीलूँगी, चाकू से छीलने में बहुत लेट लगता है। और अगर अभी क्या है ना कि मैं चाकू से छीलने बैठती और बनाने बैठती ना तो फिर रात हो जाता, और अभी लगभग 10:30 से ऊपर हो चुका है, खाना भी नहीं खाए हैं, हस्बैंड जी जस्ट अभी घर पे पहुँचे हैं, तो अभी मुझे थोड़ा सा चैन का नींद आएगा, चैन का नींद नहीं आएगा, कल सुबह फिर से मुझे जल्दी उठना है। तो आज का ये छोटा मोटा सिंपल सा ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ मैं आज के इस ब्लॉग को मैं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। बाय करवाइए, मैं करूँ, मैं करूँ, बाय।